वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन इत्तेहाद पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने अजीम इत्तेहाद पर नया हमला किया है, जिसमें कांग्रेस ने ओबीसी का हक छीना है। ये पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा। पीएम ने कहा कि हमारा नारा सबका साथ सबका विकास है। शहजादे मोदी को भला बुरा कहते हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनकी जबान अच्छी नहीं है। मोदी की तौहीन में उन्हें मजा आता है। वो नामदार है, मैं कामगार हूँ, आप गालियों पर गुस्सा ना हो। तो लगातार इंतहावी तस्वीर के दौरान वार और पलटवार देखने को मिल रहा है और पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। आजादी के समय कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन स्वीकार किया था। मां भारती के हाथों की जंजीरें काटने के बजाय कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं ही काट दी थी। देश के कोटि कोटि नागरिकों के आंखों में धूल झोंककर सत्ता हथियाने के लिए आपके भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया।